हम मौजूद हैं जिला पंचायत सभा कक्ष के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जनसुनवाई जो है प्रारंभ है। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एडीएम सलोनी सिडाना व जिला पंचायत सीओ जनसुनवाई कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ये पन्धानिया ग्राम पंचायत जो कि धर्मपुरी की पंचायत है, वहाँ से महिलाएँ पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। इनका आरोप है कि उस ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार है। इन्होंने आवेदन भी दिया है, वही धार सीओ ने इन्हें आश्वासन भी दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी, एक कमेटी बना के, और वो लोग गांव पहुंचेंगे और जांच करेंगे। भाई साहब क्या मामला है? मेरा नाम महेश पटेल है, मैं पूर्व जनपद सदस्य धर्मपुरी में रहा हूं, एक जनप्रतिनिधि रहा हूं। मेरी ग्राम पंचायत पंधाने में 2,10,00,000 रुपए पौधरोपण के नाम से आए हुए हैं। उसमें से सरपंच सचिव ने मात्र नरेगा के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, बिल वाउचर अलग है, नरेगा के नाम पर 50,00,000 का गबन किया हुआ है, जिसमें से 19,00,000 रुपये मेरे खुद के गाँव का है, और मेरे पौध यूनिट से भी 2,72,000 रुपये निकाल लिया है और गबन कर दिया है। इन्होंने साजिश के तहत मतलब 120 खाते खुलवाए हैं, 120 खाते फर्जी तरीके से जारी किए इन लोगों ने, और उसमें राशि जा रही है। बैंक की भी साठगांठ है, जिला पंचायत के कर्मचारियों, जनपद के कर्मचारियों, सीओ राजेंद्र पालनपुर है, वो भी इस मामले में गंभीर नहीं है। उसको भी हमने 4 बार शिकायत की, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की है। कि मतलब कई नौकरी वाले और कई मृतक भी जो है इसमें मस्टर्ड में। जी हाँ, क्या है मामला? 5 व्यक्ति है, शिक्षा विभाग से, महिला बाल विकास से एवं पंचायत ग्रामीण पंचायत विभाग से 5 व्यक्ति, जिनकी मजदूरी चल रही है, जो भी आज शासकीय कार्य पर पदस्थ हैं उनकी भी मजदूरी चल रही है, और जो मरे हुए व्यक्ति हैं आज से 10 साल पहले भी मर चुके हैं उनके नाम से भी मजदूरी निकल रही है, राशि निकल रही है। पोर्टल पर हमको मजदूरी पूरी दिखाई देती है, राशि भी पूरी दिखाई देती है, लेकिन न तो हमारे अकाउंट में आ रही है और न हमें कैश नगद राशि दी जाती है, वो डायरेक्ट उनके खाते में जाती है। सरपंच सचिव के जो समर्थक हैं उनके खाते में जाती है और वही हरण करते हैं। इस तरह से 50,00,000 का गबन है, सिर्फ मजदूरों से बिल वाउचर अलग चीज़ है। आपकी दोनों पंचायतों में तकरीबन कितने करोड़ का घोटाला है? मेरे पंचायत में बिल वाउचर मिला करके करीब 1 करोड़ से ज़्यादा घोटाला है, लेकिन मैं शिकायत किया, मैंने 5 बार शिकायत कर चुका हूँ। मैं पूर्व जो कलेक्टर साहब रहे उनसे भी शिकायत कर चुका हूँ, पूर्व जिला पंचायत सीओ उनसे भी शिकायत कर चुका हूँ, सीएम हेल्पलाइन में मेरी शिकायत लंबित है, लेकिन वहाँ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं कोरोना काल में। काम हुए या नहीं? गाँव में भी काम नहीं है। गाँव में जैसे 15 वित्त आयोग, 14 वित्त आयोग, उसमें भी धांधली है, जहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं हुआ वहाँ से भी राशि निकाली गई है। इस तरह पूरी तरह से भ्रष्ट है। मतलब बच्चों ने काम किया, आप बता रहे बच्चे काम कर रहे हैं पोर्टल में? बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ हम जो जांचकर्ता टीम जाएगी उसको हम प्रस्तुत करेंगे। मरे हुए व्यक्तियों की भी सूची बनी हुई है, बाकायदा उसकी सूची बनी हुई है, उनके कितने दिन हुए, कितनी राशि हुई है, पूरी सूची प्रस्तुत करेंगे, और यदि सुनवाई नहीं हुई शासन प्रशासन में तो हम जनहित याचिका दायर करेंगे। जिला पंचायत सीओ के पास पहुंचे थे, क्या बोला हुआ? जिला पंचायत सीओ तो दादागिरी करता है अभी, जिला पंचायत सीओ। अच्छा, जिला पंचायत आप यहाँ आए? उन्होंने बोला है हम एक कमेटी बनाएंगे, जाती है वो कमेटी आएगी, आप उनकी सारी समस्या बताएं, आपका निराकरण होगा, ऐसा आश्वासन दिया है। और आज भी आपकी बात मानी जाती है, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, कमेटी से भी आप निर्णय उससे सहमत नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में केस लगाएंगे, जनहित याचिका लगाएंगे। लोगों की मजदूरी बकाया, ये हमने 106 लोगों की मेरे गांव में बताइए, ये पूरा बंडल है, ये फर्जी मजदूरों का बंडल है, इसको हमने टेक भी किया हुआ है, ये सारे के सारे फर्जी है, और कोर्ट जाएंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे। नाम बताओ? महेश पटेल, पूर्व जनपद सदस्य डोल, और पंधाना पंचायत और कुंदा पंचायत के मजदूर हैं। जनपद सीओ, जनपद सीओ पालनपुर, जनपद सीओ पालनपुर, ग्राम पंचायत पंधाना कुंदाना, ग्राम पंचायत पंधाना कुंदा, भ्रष्ट है। तो ये जो है धर्मपुरी से आए थे महेश पटेल, इनका कहना है कि इनका आरोप है कि ये पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, मरे हुए लोगों ने भी काम किया है, वही सरकारी नौकरी में भी लोगों ने काम किया है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, हालांकि सीओ जिला पंचायत ने आश्वासन दिया है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से गांव पे पहुंच के टीम काम करती है, किस तरीके से जांच होती है, और इस जांच से ग्रामवासी संतुष्ट होते हैं यानी इन्हें न्याय मिलता है यानी, ये बहरहाल जांच का विषय है। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कलेक्शन कर
संतम है। कहाँ से आई हो? कुंडा से। क्या हुआ? हम पहाड़ी का ऊपर काम करते हैं तो 3 साल के काम करते हैं तो हमारा मंजूरी नहीं आती है और हम मंजूरी मांगने जाते थे सरपंच ऐसा बोलते मंत्री साहब कि मंजूरी तुम्हारी नहीं आ गई। दुर्गा लाल ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी मंजूरी नहीं है कहीं दीदी सब हमने पैसा कहाँ से आओगे तुम्हारा कहीं दीदी ना हमको कहते उतर जाओ बेटी हमारे पास पैसे नहीं है ऐसे बोलते हैं। और कोई पत्रकार जाता है तो हम उनको बोलते हैं तो हमको दूर भगाते हैं हमको उनको बोलने नहीं देते नहीं नहीं इनका सामने नहीं जाना कहीं तुमने कहीं दूर रहो पहाड़ी का ऊपर दूर रहो। मंजूरी नहीं मिली 3 साल 10,000 मिला 3 साल का अब 3रा चल रहा है 2 साल हो गया 3रा चल रहा है। तो कितना पैसा बाकी हो रहा तुम्हारा? 60,000 में 10,000 दिए। हाँ बाकी है। हाँ कितने बाकी है आप? 60,000। नाम बता दो आपका। संता। संता। हाँ इसमें आज गांव से कुछ लोग आए थे कुछ महिलाएं भी हमारे पास आई थी तो शिकायतें की गई हैं उसमें एक जिला स्तरीय कमेटी का हमने गठन कर दिया जिसमें एडिशनल सीओ साहब अध्यक्ष रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें मनरेगा की तो पीओ मनरेगा को भी कमेटी में रखा है उसका जांच करा के उसकी जो भी सत्यता होगी हम लोग पता कर लेंगे और यदि इस तरह का होगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा लगातार की गई है तो इसमें जैसा पाया जाएगा उसके हिसाब से विधिवत कार्रवाई कर लेंगे। जगह हर ग्राम पंचायत में यदि इस तरह की शिकायतें आती हैं तो लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जाती है निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है उसके अलावा कुछ जगह पे FIR भी दर्ज किए गए हैं। जैसे जैसे शिकायतें आती हैं उस तरह की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। थैंक यू।